हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग बिजनेस फाइनेंस का देख रहे हैं, ठीक है। मनी मार्केटिंग का फंक्शंस देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो मनी मार्केटिंग के फंक्शंस, मनी मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, उसके कंपोजिशंस क्या है। कंपोजिशंस मतलब मनी मार्केट एक्चुअली बना किस किस से है, ठीक है, किसके कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है, उसमें कौन से मार्केट आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट में देख चुके हैं। अभी हम फंक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शंस फंक्शन इसका ये बोलते हैं, मनी मार्केट होता क्या है, क्यों होगा ये, ठीक है। प्रोवाइड अ फंड, ठीक है, मनी मार्केट है तो ये किस लिए यूज आएगा, ठीक है। इससे ही सोच रहे हो कि क्या इसका यूज किस में होगा, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फंड, ठीक है। अल्टीमेटली ये देता क्या है, लोन देता है आप लोगों को, ठीक है, बिजनेस के लिए, ठीक है। किसी भी आपको आपको बिजनेस के लिए करना है, या आपका आपको अपना अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलना है, या जो भी करना है, ठीक है। तो ये कैसे प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है किसको, पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट को। और इससे क्या होगा, इससे हेल्प होगा डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। हमें लोन होगा, हर चीज़ का सोर्स मेन क्या होता है, मेन होता है मनी। मनी के बिना आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ कोई भी न्यू बिजनेस खोलना है, कुछ भी करना है, तो आप लोगों को मनी लगेगा, ठीक है। अगर ये मनी सबको अब इजीली अवेलेबल हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस डेवलप होगा, उससे क्या होगा, ज़्यादा पैसा आएगा मार्केट में, ज़्यादा पैसा आएगा मार्केट में, सोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। तो इन सब से क्या होगा, कॉमर्स का डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, ट्रेड का डेवलपमेंट होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। हम उस ट्रेड को आउटसाइड कंट्री भी क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस भी हम क्या कर सकते हैं, बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस है, यूज ऑफ अ सरप्लस फंड, ठीक है। अब क्या होता है, बैंक्स के पास में हम लोग बहुत सारे सेविंग्स जमा होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो भी सेविंग है, उस हमारे पास वो क्या है, एक सरप्लस फंड ही है, ठीक है, एक्स्ट्रा का फंड है ना। तो उस फंड को हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो वो फिर मनी मार्केट से किसी और को दे रहा है जिसको नीड है, किसी बिजनेसमैन को दे रहा है, और फिर वैसे करके क्या हो रहा है, उन इस सब जो हमारा फंड है इनका क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, यूज़ हो रहा है सही तरीके से। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूट टू यूज देयर सरप्लस फंड प्रॉफिटेबली फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड लिए एक चीज़ याद रखना कि जो भी मनी मार्केट अगर फंक्शंस बोले, मनी मार्केट के बोले, कैपिटल मार्केट के फंक्शन लगभग सेम ही होते, बस इसमें क्या डिफरेंस है, मनी मार्केट में हर चीज शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, isn't it? ठीक है, नेक्स्ट बोला नो नीड टू बोरो फ्रॉम द बैंक, ठीक है। बैंक से बोरो करने की आप लोगों को जरूरत, मतलब बैंक से जो बिजनेसमैन है या फिर बैंक को खुद को, ठीक है, कमर्शियल बैंक को खुद को क्या करना पड़ता है, उनको भी पैसों की जरूरत होती है, तो उन्हें किससे लेना पड़ता है, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब RBI से। और उन्हें लमसम RBI क्या करती है, चार्ज करती है, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करती है, चार्ज करती है। तो वो क्या करना पड़ता है, इसमें क्या हो जाएगा कि सब इन सब चीज़ों में मनी मार्केट से अगर वो लोग लेंगे, ठीक है, मनी मार्केट से अगर कमर्शियल बैंक अगर लोन लेता है तो उनको उतना इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कम सेंट्रल बैंक से बोरो करने के बदले वो क्या करेंगे, वो खुद क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे लोन का, ठीक है, जो भी लोन उन्होंने दिया है, या फिर उन्हें अगर लेना है लोन तो वो क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प्स गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, मनी मार्केट हेल्प द गवर्नमेंट इन बोरो द शॉर्ट टर्म फंड एट लो इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट कैसा चार्ज होता है, लो इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजरी बिल। आप लोगों को सबको पता है ट्रेजरी बिल कैसा होता है, सबसे सिक्योर होता है, इंटरेस्ट इसमें कम लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को हेल्प होंगी, ठीक है, वो अपना क्या कर सकती है, लोन ले सकती है, और गवर्नमेंट को क्या होगा, इससे फ़ायदा ही होगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है, उसको कम तो नहीं बोल सकते बट उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने पास, अभी मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अगर आप लोग के पास पैसा है और महंगाई बढ़ रही है तो आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, बट अगर आप लोग के पास पैसा नहीं है और महंगाई बढ़ी तो क्या आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, उस प्रेशर को, इन्फ्लेशन के जो प्रेशर है उसको हैंडल कर सकते हो, नहीं। तो मनी इज इम्पॉर्टेंट। हेल्प इन मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बहुत, मॉनेटरी पॉलिसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी एक अलग से सब एक
सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, एक तो दो पॉलिसीज होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? आरबीआई। और फिस्कल पॉलिसी जो रहती है वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी को भी हेल्प होता है, ठीक है। तो कैसे होता है? एज वेल डेवलपमेंट मनी मार्केट हेल्प इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो क्या होता है, इन सब चीज़ों से आप लोग अगर इसमें मनी मार्केट में मनी इजीली अवेलेबल होगा तो ये किसको हेल्प करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी को, क्योंकि इसमें डिमांड और सप्लाई, जो डिमांड और सप्लाई है दोनों क्या रहेगा? कंट्रोल में रहेगा। मार्केट में पैसे, पैसे की डिमांड और मार्केट में पैसों का सप्लाई अगर प्रॉपर है तो क्या होगा, इजीली इकोनॉमिक हमारी स्मूथली चलेंगी, ठीक है। तो ये क्या करता है? हेल्प करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। अब ये कैसे करता है? बिजनेस में पैसा लग रहा है, ठीक है, बिजनेसमैन को पास वो पैसा जा रहा है और इन्वेस्टर के पास में पैसा एक्स्ट्रा का है, तो वो क्या कर रहे हैं? वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको इससे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या हो रहा है? सप्लाई और डिमांड, ठीक है, इन्वेस्ट करने वाले भी उतने हैं और बिजनेसमैन या जिन्हें भी ज़रूरत है, किसी इंस्टीट्यूट को ज़रूरत है, तो उसका डिमांड भी क्या है? प्रॉपर है। तो क्या हुआ, ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी को हेल्प होंगी, हेल्प इन फाइनेंशियल मोबिलिटी। अब फाइनेंशियल मोबिलिटी कैसे होगा? सिंपल सी चीज़ है, जिसके पास पैसा एक्स्ट्रा का रखा हुआ है, ठीक है, सरप्लस है, वो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे किसमें? मनी मार्केट में, ठीक है। और जिन्हें ज़रूरत है वो मनी मार्केट से बोरो करेंगे। तो ऐसा क्या होगा, जो फंड, जो पैसा है, जो मनी है, वो सिर्फ एक जगह स्टेबल नहीं रहेगा, वो मूव करते रहेगा। तो क्या होगा, मार्केट में पैसा रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मोबिलिटी होगी किसकी? फंड की, ठीक है। मोबिलिटी इन द फ्लो ऑफ द फंड इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है, पैसा हमेशा स्थिर नहीं रहना चाहिए, वो हमेशा मूव होते रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा कमर्शियल इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इकोनॉमिक में। देन प्रमोट लिक्विडिटी एंड सेफ्टी, ठीक है। लिक्विडिटी कैसे है? क्योंकि ये क्या होता है कि आप लिक्विडिटी है मतलब कि कितना कैश, मतलब आप कितना इजीली उस चीज़ को क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सेफ्टी, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मनी मार्केट इज दैट टू प्रमोट द लिक्विडिटी एंड सेफ्टी ऑफ फाइनेंशियल असेट, दस एंकरेजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, सिर्फ सेविंग करना है, इससे सिर्फ पैसा जमा नहीं करेंगे, वो क्या करना चालू करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उनको फ़ायदा हो रहा है। उनको फ़ायदा हो रहा है तो किसको फ़ायदा हो रहा है? बाकी जो बोरोवर्स है उनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, भले इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, बट जरूरत तो पूरी हो रही है। देन इक्विलिब्रियम एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड, मैं यही आप लोगों को बता रही थी कि मार्केट में फंड का डिमांड और सप्लाई कैसे रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ फंड की बैलेंस रहेंगी तो हमारा इकोनॉमिक कैसे स्मूथली वर्क करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक के इन यूज ऑफ अ कैश एज अ मनी मार्केट डील इन अ नियर मनी असेट एंड नॉट अ मनी प्रॉपरली, मतलब मनी मार्केट क्या आप लोग को कैश देता है क्या? नहीं, वो क्या आप लोग, अगर आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोग को क्या है? एक प्रकार का आप लोग को एक पेपर मिलेगा, ठीक है। एक तरफ की आपकी वो क्या बन गई, एक असेट बन गई, ठीक है। तो ये क्या आपको कैश प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, बोरोवर्स जो है उनको वो कैश प्रोवाइड कर रहा है जिन्हें ज़रूरत है, बट उसके साथ में क्या कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ना। तो ठीक है, इट्स हेल्प इन इकोनॉमिकिंग द यूज ऑफ द कैश, ठीक है। अब कैश को कैसे यूज करना है प्रॉपर, ठीक है। पैसा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पैसे को सही तरीके से सही जगह पर यूज करके उसको यूटिलाइज करना, वो सही एक तरीका होता है, ठीक है। हर कोई बहुत डिफरेंस होता है यार, वो इंसान इतना कम कमा रहा है बट फिर भी वो बहुत सारा क्या कर रहा है, उससे अर्न कर रहा है ना। तो उस चीज़ को अगर आप सही जगह लगाओगे तो आप उससे अर्न ही करोगे, ठीक है। अगर आप जितना उसको रिजर्व करके रखोगे अपने पास में तो वो क्या होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। इट डज प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एंड सेफ वे फॉर ट्रांसफरिंग द फंड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एक बहुत सेफ प्लेस है मनी मार्केट, जहाँ पे आप इजीली अपने कैश को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और सेफली आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक है, उसके बाद में हम आगे देखेंगे। टिल बाय एंड टेक केयर।